भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी व कार्यकर्ताओं के साथ रसूलपुर पापड़ी में जाकर वहां के किसानों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी व राष्ट्रीय महासचिव कारी रोशाद राव ने रसूलपुर पापड़ी में देहात विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर दाऊद के यहाँ पहुंचकर किसानों व मजदूरों को जागरूक करते हुए गांव दर गांव जाकर पंचायत करके महापंचायत अक्टूबर में करने का ऐलान किया और मोदी सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया और तीनों कृषि काले कानूनों का विरोध किया और कहा ये भाजपा सरकार किसान हित में नहीं है, किसान ही देश का अन्नदाता है, किसान इन तीनों कृषि काले कानूनों का विरोध करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में हम सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों एवं किसानों के साथ एक महापंचायत करेंगे। एनबीडी से आनंद कुमार की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम रसूलपुर पापड़ी के अंदर हाजी डॉक्टर दाऊद साहब हैं, इन्हें देहात विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया था हमने, तो इन्होंने थाने में बुलाया और कुछ किसान भाइयों को जिनकी कुछ समस्या थी उनकी बात आपस में वाद विचार के लिए इकट्ठे हुए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ पर आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष तोहिद अली जी आए हैं और पदाधिकारी सभी हैं, मंडल से भी हैं, उत्तराखंड के भी हमारे पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि किसान इस वक्त में कितना लाचार और किस कदर मजबूर है इस हिटलर शाही सरकार के सामने कि हमें 10 महीने से ज्यादा इस आंदोलन के अंदर हो गया, हम गांव दर गांव भटक रहे हैं, अपने किसान भाइयों से बातें कर रहे हैं कि ये काले कानून वापस हो जाएं, ये सरकार हमें घर वापसी दे और हमें घर वापसी का तोहफा ये दे कि वो ऐलान करे कि भाई हमने किसान जो विरोधी जो हमने कानून बनाए हैं इन कानूनों के ऊपर दोबारा विचार किया जाएगा, फिलहाल इन्हें खत्म किया जाए। तो उसी के लिए हम इकट्ठा हुए हैं कि हमें अपने गन्ने का, हमारी फसलों का वाजिब दाम मिलना चाहिए। जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो किसानों को या मजदूरों को दबा जा रहा है, कुचला जा रहा है, इनके ऊपर झूठे मुकदमे हो रहे हैं, इनके बच्चे गांव के अंदर नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, या हमारे जो डॉक्टरों के अंदर जो बीमारी फैल रही है, उपचार नहीं मिल पा रहा है, इनकी समस्याएं हैं, आप भी इनसे बात कर सकते हैं, हमने भी सुनी है और हम अपने विचार रख भी रहे हैं कि ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारी नस्लें जो बर्बाद होने की कगार पर खड़ी हैं, हम गुलामी की तरफ दौड़ रहे हैं, किस तरह से बचा जाए, इसी विचार के लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं।